नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2019 में आपका स्वागत है। एनवायरनमेंट की रिवीजन का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इस वीडियो में हम जुलाई महीने के एनवायरनमेंट संबंधित करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। आप पॉलिटिकल साइंस और मेंस बूस्टर प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो video.onlyis.in पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो। कोई क्वेरी हो तो onlyis.sales@gmail.com पर सेंड कर सकते हो। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल कोआला बियर के बारे में है। स्क्रीन पे जो आप तस्वीर देख रहे हो, ये तस्वीर है कोआला बियर की। अभी कंटेस्ट क्या है? कंटेस्ट देखो ये है कि एक इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट ने कोआला बियर के पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग कर दी है। कोआला बियर के बारे में हम इंफॉर्मेशन डिस्कस करें। ये पेड़ों पे रहते हैं और मैर्सुपियल है। मैर्सुपियल का मतलब होता है धानी प्राणी। मैर्सुपियल एनिमल्स देखो वो एनिमल्स होते हैं जो अपने पेट के आगे बनी एक थैली में अपने बच्चों को रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंगारू के बारे में आपने सुना होगा कि कंगारू के पेट के आगे एक थैली होती है जिसमें वो बच्चों को रखते हैं। उसी प्रकार से जो कोआला बियर हैं उनके आगे भी एक थैली होती है, धानी होती है। उस थैली के अंदर ये बच्चों को रखते हैं। ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है मार्सुपियल एनिमल्स। और कहाँ पर हैं ये? ये कॉन्सेंट्रेटेड हैं ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के कोस्टल इलाकों में। और कोआला बियर को देखो एक्सेप्शनल पेरेंटल केयर के लिए भी जाना जाता है। जैसा हमने डिस्कस किया कि अपने बच्चों को थैली में संभाल के रखते हैं, यानी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं बच्चों की, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल पेरेंटल केयर के लिए जाना जाता है कोआला बियर को। इसके अलावा इनकी और भी काफ़ी सारी स्ट्रेंज हैबिट्स हैं। जैसे चूंकि ये पेड़ों पर रहते हैं इसलिए यूकेलिप्टस ट्रीज के पत्तों को खाते हैं। देखो अगर कोई दूसरा मैमल, ज़्यादातर जो मैमल्स हैं वो यूकेलिप्टस ट्री के पत्तों को खाएंगे तो वो पत्ते दूसरे मैमल्स के लिए जहरीले साबित हो सकते हैं। मोस्ट मैमल्स की हम बात कर रहे हैं, मतलब ज़्यादातर मैमल्स यूकेलिप्टस ट्री के पत्ते खाएंगे तो उनके लिए वो पत्ते जहरीले साबित हो सकते हैं। लेकिन कोआला बियर जो हैं वो यूकेलिप्टस ट्री के पत्तों को खाते हैं। और देखो कोआला बियर का जन्म होता है 34 से 36 डेज के जेस्टेशन पीरियड के बाद। और जब जन्म होता है कोआला बियर का उस समय तो इम्यून सिस्टम भी डेवलप नहीं होता, इसलिए 6 महीने तक जो कोआला बियर के बच्चे होते हैं वो पेट के आगे बनी थैली में ही गुजारते हैं और धीरे धीरे उनका इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। IUCN की रेड लिस्ट में कोआला बियर जो हैं वो वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारी हमने इन्फॉर्मेशन डिस्कस की कोआला बियर के बारे में। चलते हैं आगे। आर्टिकल रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट देखो ये है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ यानी NBWL की स्टैंडिंग कमेटी ने 4 नई स्पीसीज को रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में डाल दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर जो वाइल्ड लाइफ डिवीजन है उस वाइल्ड लाइफ डिवीजन ने रिकमेंडेशंस दी थी और उसके बाद NBWL की स्टैंडिंग कमेटी ने 4 नई स्पीसीज। सबसे पहले नॉर्दर्न रिवर टेरापिन, ये है नॉर्दर्न रिवर टेरापिन। उसके बाद क्लाउडेड लियोपर्ड, यहाँ पे है क्लाउडेड लियोपर्ड। उसके बाद अरेबियन सी हम्पैक वहेल, यहाँ पे है वहेल। और सबसे लास्ट में रेड पैंडा। पहले देखो हम इन चारों स्पीसीज के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं और उसके बाद इस मेन प्रोग्राम को जानेंगे। रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है क्या? नॉर्दर्न रिवर टेरापिन, नॉर्दर्न रिवर टेरापिन रिवराइन टर्टल्स की स्पीसीज में से एक है। रिवराइन टर्टल्स मेनली रिवर्स में पाए जाते हैं। और देखो हमारे देश में ईस्टर्न इंडिया में जो नदियाँ फ्लो करती हैं वहाँ पर नॉर्दर्न रिवर टेरापिन पाए जाते हैं। इनका शिकार किया जाता है मीट के लिए और कवच के लिए। यहाँ पर देखो कैरापेस का मतलब होता है कवच, कवच के लिए और मीट के लिए नॉर्दर्न रिवर टेरापिन का शिकार किया जाता है। इस वजह से संख्या जो है नॉर्दर्न रिवर टेरापिन की बहुत ज़्यादा कम हो गई है, डिक्लाइन कर गई है। इस वजह से IUCN की रेड लिस्ट में नॉर्दर्न रिवर टेरापिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। वैसे साउथ ईस्ट एशिया में नेचुरली पाए जाते हैं नॉर्दर्न रिवर टेरापिन, बांग्लादेश, इंडिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया। नेक्स्ट है क्लाउडेड लियोपर्ड। क्लाउडेड लियोपर्ड्स पाए जाते हैं हिमालयन फुट हिल्स में, मतलब हिमालय की तलहटी में। फुट हिल्स के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये एक प्रकार से ट्रांजिशन एरिया होता है प्लेन एरियाज के बीच और लो रिलीफ हिल्स के बीच। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये प्लेन एरिया है, उसके बाद माउंटेन रेंजेस स्टार्ट होती हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही प्लेन एरिया ख़त्म हुआ एकदम से जो माउंटेन रेंजेस स्टार्ट हुई हैं उनकी पीक आ जाएगी। शुरुआत में तो हाइट धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट होगी और धीरे धीरे ऐसे हाइट बढ़ती जाएगी और पीक आ जाएगी बाद में। तो शुरुआत में ये जो माउंटेन रेंजेस का बेस है ना, इसे ही
फुटहिल्स कहा जाता है, यानी तलहटी ऑफ माउंटेन। यहां पर हम बात कर रहे हैं हिमालयन फुटहिल्स की। यहीं पर पाए जाते हैं क्लाउडेड लियोपर्ड्स। और वैसे देखो संख्या इनकी इस वजह से कम हो रही है क्योंकि स्किन के लिए शिकार किया जाता है क्लाउडेड लियोपर्ड्स का। हैबिटेशन यानी जहां पर रहते हैं क्लाउडेड लियोपर्ड्स, वो एरिया बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, इंक्रोचमेंट हो रही है ह्यूमन बींग्स के द्वारा। और इवन क्लाउडेड लियोपर्ड्स के जो बच्चे हैं उनको भी पकड़ लिया जाता है ताकि उनको पालतू बनाया जा सके, डोमेस्टिकेट किया जा सके क्लाउडेड लियोपर्ड्स को। इस वजह से भी उनकी संख्या कम हो रही है। और आयुषियन की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं क्लाउडेड लियोपर्ड्स। नेक्स्ट है अरेबियन सी हम्पबैक व्हेल। ये स्पीसीज देखो वर्ल्ड के मेजर ओशंस में पाई जाती हैं, अरेबियन सी से माइग्रेट करती हैं। यहाँ पर मैप पे आप नज़र डालिए, ओमान के कोस्ट से माइग्रेट करती हैं इंडिया के कोस्ट तक और श्रीलंका के कोस्ट तक। किस वजह से संख्या जो है वो हम्पबैक व्हेल की कम हो रही है? एक तो देखो शिप्स के टकराने से व्हेल की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा मछली पकड़ने के लिए जिस गियर का इस्तेमाल किया जाता है उससे भी डेथ हो जाती है व्हेल की। इस वजह से संख्या व्हेल की कम हो रही है। और आयुषियन की रेड लिस्ट में अरेबियन सी हम्पबैक व्हेल आती है लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में। नेक्स्ट है रेड पांडा। रेड पांडा देखो मिलता है सिक्किम में, वेस्ट बंगाल में और अरुणाचल प्रदेश में। रेड पांडा का शिकार मीट के लिए किया जाता है, मेडिसिन के लिए किया जाता है और पालतू जानवर बनाने के लिए भी रेड पांडा का शिकार किया जाता है। आयुषियन की रेड लिस्ट में रेड पांडा आते हैं इंडेंजर्ड कैटेगरी में। 2015 में रेड लिस्ट की जो असेसमेंट आई थी उसमें यह कहा गया था रेड पांडा की जो पॉपुलेशन है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। रेड पांडा देखो आपको मिलेगा बैम्बू फॉरेस्ट में, क्योंकि बैम्बू के पत्तियां जो होती हैं उन्हें खाया जाता है रेड पांडा के द्वारा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में। वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 2008-2009 में। नाम था उस प्रोग्राम का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, IDWH। ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंडेड थी और इस प्रोग्राम के मेनली देखो तीन कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू प्रोटेक्टेड एरियाज, प्रोटेक्टेड एरियाज को सपोर्ट प्रोवाइड करना, जैसे कि नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स, लेकिन एक्सेप्ट टाइगर रिजर्व्स। ये ध्यान रखना यहाँ पे एक्सेप्ट टाइगर रिजर्व्स हैं, टाइगर रिजर्व्स को छोड़ के बाकी जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये पहला कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज, प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये दूसरा कंपोनेंट। और तीसरा कंपोनेंट जिसके बारे में अभी हमने बात की, रिकवरी प्रोग्राम फॉर सेविंग क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड हैबिटेट्स। और देखो इस प्रोग्राम के अंदर अभी तक 17 स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया गया है और उनको सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है। कौन कौन सी 17 स्पीसीज हैं ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल लीगल एंटिटीज के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? उत्तराखंड हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच का एक फैसला आया जिसमें उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूरे एनिमल किंगडम को लीगल एंटिटी का दर्जा दे दिया है। पूरा एनिमल किंगडम मतलब वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, वो एनिमल्स जो हवा में उड़ते हैं या फिर जमीन में रहते हैं, सभी एनिमल्स को आगे से लीगल एंटिटी माना जाएगा। मतलब उनके पास राइट्स होंगे, उनकी ड्यूटीज़ भी होंगी और लिविंग पर्सन की तरह उनकी कुछ लाइबिलिटीज़ भी होंगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिछले साल मार्च में इवन गंगा और यमुना नदियों को भी लिविंग एंटिटी का दर्जा दिया था। कानून की नज़र में देखो दो तरह के पर्सन्स होते हैं, एक नेचुरल पर्सन्स, नेचुरल पर्सन्स मतलब ह्यूमन बींग्स, दूसरे टाइप के पर्सन होते हैं कानून की नज़र में लीगल या फिर ज्यूरिस्टिक पर्सन्स। इन पर्सन्स को कानून के द्वारा क्रिएट किया जाता है और लीगल एंटिटी के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनको अलग से डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी दी जाती है कानून के द्वारा। उनके कुछ राइट्स होते हैं, कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट बिजनेस फॉर्म्स या फिर एंटिटीज, एनजीओ या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रस्ट, सोसाइटीज़, ये सब चीज़ें इनको कानून के द्वारा लीगल पर्सन्स का या फिर लीगल एंटिटीज़ का दर्जा दिया जाता है। उसी प्रकार से उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपने एक वर्डिक्ट में पूरे एनिमल किंगडम को लीगल एंटिटी का दर्जा दे दिया है। इसके साथ ही कुछ गाइडलाइंस भी जारी की उत्तराखंड हाईकोर्ट ने, जैसे कि अगर टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है या फिर 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है तो एनिमल्स को सामान ढोने के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा। एक प्रॉपर सरकार को आदेश दिया उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कि आप
रिस्ट्रिक्शंस लगाइए, आप स्टैंडर्ड्स जारी कीजिए कि एक एनिमल के ऊपर कितना बोझ, कितना बर्डन रखा जा सकता है। एनिमल्स के गार्डियनशिप की जिम्मेदारी होगी स्टेट के सिटीजन्स के पास, स्टेट के सिटीजन्स की जिम्मेदारी होगी एनिमल्स की वेलफेयर इंश्योर करना। ये जजमेंट देते वक्त उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आर्टिकल नंबर 21 को इन्वोक किया। आर्टिकल नंबर 21 है राइट टू लाइफ, और उत्तराखंड हाईकोर्ट की बेंच के अकॉर्डिंग लाइफ का मतलब यहाँ पे एनिमल वर्ल्ड से भी है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। यूपीएससी पूछ सकती है कि कौन से स्टेट की हाईकोर्ट ने एनिमल किंगडम को लीगल एंटिटी का दर्जा दिया था। आंसर होगा उत्तराखंड हाईकोर्ट। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? जस्टिस आदर्श कुमार गोयल को एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। पिछले 8 महीनों से एनजीटी के चेयरमैन की जो पोस्ट थी वो खाली पड़ी थी। 19 दिसंबर को जस्टिस स्वतंत्र कुमार चौधरी रिटायर हुए एनजीटी के चेयरमैन की पोस्ट से, उसके बाद से ही ये पोस्ट फिल नहीं की गई थी। एनजीटी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं और ये भी जान लेते हैं क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है एनजीटी के चेयरमैन के लिए। ये एक स्टेचुरी बॉडी है, इसे इस्टेब्लिश किया गया था 2010 के एक एक्ट के थ्रू जिसका नाम था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। इस बॉडी ने रिप्लेस किया नेशनल एनवायरमेंट एपिलेट अथॉरिटी को। इस बॉडी की जो ज्यूरिडिक्शन है वो ऑलमोस्ट सभी एनवायरमेंट लॉज पे है, सिर्फ दो लॉज को छोड़ के, एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। इन दो एक्ट्स पे ज्यूरिडिक्शन नहीं है एनजीटी का, मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। एनजीटी केसेस को सोल्व करने की कोशिश करती है 6 मंथ्स के अंदर अंदर, और कोड ऑफ प्रोसीजर 1908 को फॉलो नहीं किया जाता, नेचुरल जस्टिस वाले कंसेप्ट को फॉलो किया जाता है। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, ब्रांचेज कई जगह पे हैं जैसे भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। वैसे देखो एनजीटी को इस्टेब्लिश करने का मकसद यही था, इन्वायरमेंट रिलेटेड जो केसेस हैं उनका जल्द से जल्द डिस्पोजल हो। कंपोजिशन की बात करें तो 40 मेंबर्स होते हैं और एक चेयरमैन होते हैं। चेयरमैन के लिए जो क्राइटेरिया है, सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या तो सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर रिटायर्ड CJI। इसके अलावा सर्विंग या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट, किसी भी हाईकोर्ट के रिटायर्ड या फिर सर्विंग चीफ जस्टिस। तीसरे नंबर पे जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट। तो इनमें से कोई भी क्राइटेरिया अगर फॉलो किया जाता है किसी पर्सन के द्वारा तो वो एनजीटी के चेयरपर्सन बन सकते हैं। मेंबर्स की संख्या 40, 20 एडमिनिस्ट्रेटर मेंबर और 20 जुडिशरी से संबंधित मेंबर्स। कंडीशन ये भी है कि किसी भी समय एनजीटी में कम से कम 10 मेंबर होने चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित, और मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित मतलब एक्सपर्ट मेंबर्स की संख्या हो सकती है 20। उसी प्रकार से किसी भी समय मिनिमम यानी एटलीस्ट 10 मेंबर्स होने चाहिए जुडिशरी से संबंधित, और मैक्सिमम 20 फुल टाइम मेंबर्स हो सकते हैं जुडिशरी से संबंधित। तो इस कंडीशन को फुलफिल भी करना जरूरी है। तो पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया एनजीटी के बारे में, चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल फॉर्मेलिन के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? चेन्नई में पहली बार फिश सैंपल्स में यानी मछलियों के सैंपल्स में फॉर्मेलिन की प्रेजेंस पाई गई है। बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बात है, क्योंकि देखो फॉर्मेलिन फॉर्मल्डिहाइड का एक डेरिवेटिव है, लेकिन ये कैर्सिनोजेनिक सब्सटेंस है। कैर्सिनोजेनिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो कैंसर को प्रमोट करते हैं, तो इसलिए उन फिशेस को कंज्यूम करना जिसमें फॉर्मेलिन की प्रेजेंस है ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। और ज़रा डिस्कस करें फॉर्मेलिन के बारे में। अगर एक बार फॉर्मेलिन को इंजेस्ट किया जाता है यानी उन सब्सटेंसेस को खाया जाता है जिनमें फॉर्मेलिन है, तो फॉर्मेलिन बॉडी के अंदर जाके टॉक्सिन्स यानी जहरीले केमिकल्स रिलीज करता है और इससे इवेंचुअली कैंसर हो सकता है। अगर देखो एक ऐसे सॉल्यूशन जिसमें 37% तक फॉर्मेलिन है, अगर उस सॉल्यूशन को कंज्यूम किया जाता है एक अडल्ट के द्वारा, तो तुरंत मृत्यु भी हो सकती है अडल्ट की ऐसे सॉल्यूशन को पीने से। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया फॉर्मेलिन के बारे में, चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल एशिया की बेस्ट डेस्टिनेशंस फॉर 2018 के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो लोनली प्लैनेट एक ट्रैवल गाइड बुक पब्लिशर है। इस बुक पब्लिशर को ट्रैवलर्स के द्वारा पूरे वर्ल्ड में बाइबल माना जाता है, क्योंकि इस बुक में जो डेस्टिनेशंस पब्लिश की जाती हैं हर एक साल, वहाँ पे जो टूरिस्ट एक्टिविटीज़ हैं काफ़ी बढ़ जाती हैं और टूरिस्ट अपना टूर प्लान करते हैं इस बुक में डेस्टिनेशंस को देख के। तो इस साल 2018 की एशिया की सबसे बेस्ट डेस्टिनेशंस की जो लिस्ट जारी की गई है इस बुक पब्लिशर के द्वारा, उसमें वेस्टर्न घाट्स का नाम है। तो यहाँ पे देखो
सबसे पहले जो एशिया की बेस्ट डेस्टिनेशन है वो है बुसान साउथ कोरिया में, उसके बाद एंशियंट सिटीज एंड ज्वेल्ड आर्किटेक्चर ऑफ उज्बेकिस्तान, तीसरे नंबर पे वियतनाम की सिटी हो ची मिन, और चौथे नंबर पे हमारा वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स वर्ल्ड के हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है और यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है वेस्टर्न घाट्स को। हिमालय से भी पुराना है और अपने रीच और यूनिक फ्लोरा एंड फोना के लिए जाना जाता है। इस ट्रैवल गाइड में एक फूल का भी जिक्र किया गया है, नाम है नीलाकुरुंजी। ये जो फूल है वो 12 सालों में एक बार खिलता है। लास्ट टाइम ये फूल खिला था 2006 में और अब 12 साल बाद अगस्त से अक्टूबर 2018 के बीच ये फूल खिलेगा। कहाँ पर? मुन्नार हिल स्टेशन है वहाँ पर। तो इस फूल के बारे में आप याद रखिएगा, नीलाकुरुंजी, यूपीएससी पूछ सकती हैं। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। वैसे फ़ोटो भी आप देख लीजिए इस फूल की, फ़ोटो देखने से याद हो जाती हैं चीज़ें। चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल नीलगिरी ताहर के बारे में है। एक लेटेस्ट स्टडी सामने आई है जिसमें बोला गया है कि नीलगिरी ताहर की पॉपुलेशन पे बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का, मतलब जलवायु परिवर्तन का। स्टडी में यह भी बोला गया कि 2030 आते आते नीलगिरी ताहर का जो हैबिटेशन है वो 60% तक कम हो जाएगा। हैबिटेशन होता क्या है? हैबिटेशन वो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है जिसमें एनिमल की कोई पर्टिकुलर स्पीसीज रहती हैं। अभी नीलगिरी तहर की जो जनसंख्या है वो है 2500 यानी 2500 के आसपास, लेकिन IUCN के डेटा के अनुसार नीलगिरी तहर की जो पॉपुलेशन है वो लगातार कम हो रही है, यानी नीलगिरी तहर की पॉपुलेशन में डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। नीलगिरी तहर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में नीलगिरी तहर इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल वन में प्रोटेक्टेड है नीलगिरी तहर। शेड्यूल वन में और शेड्यूल सेकंड में जो एनिमल की स्पीसीज प्रोटेक्टेड होती हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, उनको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन दी गई होती है, यानी उनको मारने पे सज़ा भी सबसे ज़्यादा होती है और फाइन भी सबसे ज़्यादा होता है। वैसे नेचुरली नीलगिरी हिल्स में मिलती हैं नीलगिरी ताहर या फिर वेस्टर्न घाट के साउदर्न पोर्शन में। तमिलनाडु और केरला में नेचुरली पाई जाती है नीलगिरी ताहर और तमिलनाडु का स्टेट एनिमल जो है वो भी नीलगिरी ताहर है। अभी देखो सिर्फ इराविकुलम नेशनल पार्क और ग्रास हिल्स ऑफ अन्नामलाई, ये दो ऐसी जगह हैं जहाँ पर नीलगिरी ताहर की जो पॉपुलेशन है वो 300 से ज़्यादा है। अदरवाइज किसी भी जगह पे नीलगिरी ताहर की पॉपुलेशन 300 से ज़्यादा नहीं है। एक क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए, इराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पे है? चार ऑप्शंस देता हूँ। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा केरला, तीसरा कर्नाटक और चौथा आंध्र प्रदेश। कहाँ पे है इराविकुलम नेशनल पार्क? आंसर होगा इसका केरला। केरला के इडुपी डिस्ट्रिक्ट में है इराविकुलम नेशनल पार्क। लोकेशन एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पर देखो यह है इराविकुलम नेशनल पार्क और यहाँ पे इडुकी डिस्ट्रिक्ट है। इस्टाब्लिश किया गया था इस नेशनल पार्क को 1978 में। नियरेस्ट टाउन मुन्नार। चलते हैं आगे। आजकल नीलगिरी ताहर के बारे में है। एक लेटेस्ट स्टडी सामने आई है जिसमें बोला गया है कि नीलगिरी ताहर की पॉपुलेशन पे बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का, मतलब जलवायु परिवर्तन का। स्टडी में यह भी बोला गया कि 2030 आते आते नीलगिरी ताहर का जो हैबिटेशन है वो 60% तक कम हो जाएगा। हैबिटेशन होता क्या है? हैबिटेशन वो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है जिसमें एनिमल की कोई पर्टिकुलर स्पीसीज रहती हैं। अभी नीलगिरी तहर की जो जनसंख्या है वो है 2500 यानी 2500 के आसपास, लेकिन IUCN के डेटा के अनुसार नीलगिरी तहर की जो पॉपुलेशन है वो लगातार कम हो रही है, यानी नीलगिरी तहर की पॉपुलेशन में डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। नीलगिरी तहर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में नीलगिरी तहर इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल वन में प्रोटेक्टेड है नीलगिरी तहर। शेड्यूल वन में और शेड्यूल सेकंड में जो एनिमल की स्पीसीज प्रोटेक्टेड होती हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, उनको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन दी गई होती हैं, यानी उनको मारने पे सज़ा भी सबसे ज़्यादा होती है और फाइन भी सबसे ज़्यादा होता है। वैसे नेचुरली नीलगिरी हिल्स में मिलती हैं नीलगिरी तहर या फिर वेस्टर्न घाट के साउदर्न पोर्शन में। तमिलनाडु और केरला में नेचुरली पाई जाती है नीलगिरी तहर और तमिलनाडु का स्टेट एनिमल जो है वो भी नीलगिरी तहर है। अभी देखो सिर्फ इराविकुलम नेशनल पार्क और ग्रास हिल्स ऑफ अन्नामलाई, ये दो ऐसी जगह हैं जहाँ पर नीलगिरी तहर की जो पॉपुलेशन है वो 300 से ज़्यादा है।
अदरवाइज किसी भी जगह पे नीलगिरी तहर की पॉपुलेशन 300 से ज़्यादा नहीं है। एक क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए, इराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पे है? चार ऑप्शंस देता हूँ, पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा केरला, तीसरा कर्नाटक और चौथा आंध्र प्रदेश। कहाँ पे है इराविकुलम नेशनल पार्क? आंसर होगा इसका केरला। केरला के इडुपी डिस्ट्रिक्ट में है इराविकुलम नेशनल पार्क। लोकेशन एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पर देखो यह है इराविकुलम नेशनल पार्क और यहाँ पे इडुकी डिस्ट्रिक्ट है। इस्टाब्लिश किया गया था इस नेशनल पार्क को 1978 में। नियरस्ट टाउन मुन्नार। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल गोल्डन जैकल के बारे में है। द हिंदू में एक न्यूज आई थी कि जो बंदार रिजर्व फॉरेस्ट है वहां पर मैंग्रोव एरिया कम हो रहा है, इस वजह से गोल्डन जैकल का जो हैबिटेट है वो कम हो रहा है। हैबिटेट मतलब नेचुरल होम या फिर एनवायरमेंट जहां पर कोई एनिमल की स्पीसीज रहती है। अब देखो गोल्डन जैकल का हैबिटेट एरिया कम हो रहा है, इस वजह से लोकल लोगों के साथ जो कन्फ्लिक्ट्स हैं गोल्डन जैकल का काफ़ी ज़्यादा होने लगा है। IUCN की रेड लिस्ट के हिसाब से गोल्डन जैकल आता है लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में। क्या खाता है गोल्डन जैकल? केकड़े यानी क्रैब और मछलियाँ। गोल्डन जैकल देखो वैसे कहाँ कहाँ पर मिलता है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में, अरेबियन पेनिनसुला में, ईस्टर्न यूरोप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और स्पेसिफिकली बात करें इंडिया में कहाँ कहाँ पर मिलता है गोल्डन जैकल, इंडिया में मिलता है कच्छ के एरिया में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में और हरियाणा में। और वैसे देखो ऑलमोस्ट इंडिया के सभी प्रोटेक्टेड एरियाज में मिलता है, लेकिन हिमालय के ऊंचाइयों वाले जो रीजन हैं वहाँ पर नहीं मिलता गोल्डन जैकल। और साइट्स के अपेंडिक्स 3 में आता है गोल्डन जैकल। साइट्स हमने डिस्कस किया काफ़ी बार, ये वो कन्वेंशन है जो इंडेंजर्ड स्पीसीज के इलीगल ट्रेड को रोकती हैं। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 3 में आता है। शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में जो स्पीसीज आती हैं उनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी गई होती है, लेकिन गोल्डन जैकल आता है शेड्यूल 3 में, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि IUCN की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है। मतलब अभी भी संख्या जो है गोल्डन जैकल की वो अच्छी खासी है, अभी वल्नरेबल इंडेंजर्ड या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में नहीं आता गोल्डन जैकल। इसी वजह से शेड्यूल 3 में आता है, यानी थोड़ी कम प्रोटेक्शन दी गई है गोल्डन जैकल को। गोल्डन जैकल का शिकार किया जाता है पूंछ के लिए और खाल के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल था, चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल हैरियर बर्ड्स के बारे में है। हैरियर बर्ड्स एक माइग्रेटरी रैप्टर स्पीसीज है। रैप्टर स्पीसीज क्या होती हैं? रैप्टर स्पीसीज देखो वो स्पीसीज होती हैं जो शिकार करती हैं। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, ईगल यानी चील या फिर वल्चर, गिद्ध, ये बर्ड्स की स्पीसीज शिकार करती हैं। रेप्टाइल्स का यानी रेंगने वाले जानवरों का या फिर छोटे बर्ड्स का। अभी कंटेस्ट ये है कि पहले बहुत सारे हैरियर बर्ड्स इंडिया में आते थे, लेकिन आज के समय में बहुत कम हैरियर बर्ड्स इंडिया में आते हैं। तो इससे ये पता लगता है कि कंट्री के जो ग्रासलैंड्स हैं वो खतरे में हैं। अगर ग्रासलैंड्स ज़्यादा होते तो वहाँ पे रेप्टाइल्स ज़्यादा होते या फिर छोटे बर्ड्स ज़्यादा होते तो ये हैरियर बर्ड्स भी ज़्यादा आते, लेकिन चूँकि कंट्री के ग्रासलैंड्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं तो उसी हिसाब से उसी प्रपोर्शन से इंडिया में आने वाले हैरियर बर्ड्स की जो संख्या है उसमें भी कमी देखने को मिल रही है। और ये सामने आया अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट के 2 रिसर्चर्स की रिपोर्ट में। आगे थोड़ी और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट रूस्टिंग साइट है। रूस्टिंग साइट का मतलब जहाँ पर ये हैरियर बर्ड्स बैठते हैं, बैठने का अड्डा आप नॉर्मल भाषा में कह सकते हो। तो इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट रूस्टिंग साइट है वर्ल्ड में पैलिड हैरियर्स और मोंटागू हैरियर्स के लिए। और रिसेंट रिपोर्ट्स हाईलाइट करती हैं कि जो संख्या है इन बर्ड्स की वो कम हो रही हैं। वैसे तो ये जनरल ट्रेंड है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस की बात करें तो आंध्र प्रदेश में रोलापाडू बस्टर्ड सेंचुरी है कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे इन हैरियर बर्ड्स की संख्या पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी लेकिन आजकल काफ़ी कम हुई है। इसके अलावा बेंगलोर के आउटस्कर्ट्स एरिया में हिसर घाटा, वहाँ पर वेस्टर्न मार्स हैरियर बर्ड्स की संख्या पहले काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन आजकल वेस्टर्न मार्स हैरियर की संख्या में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। और रीजन वही, एक तो जैसे ग्रासलैंड्स में कमी आई है इंडिया में, उसके अलावा एक रीजन रिसर्च में ये भी बताया जाता है हो सकता है कि खेतों में पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा है और इन पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है रूस्टिंग साइट्स के आसपास, यानी जहाँ पर ये हैरियर बर्ड्स बैठते हैं उनका बैठने का जो स्थान होता है उसके आसपास
पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है, इस वजह से भी वो अब यहाँ आना कम प्रेफर करते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया हैरियर बर्ड्स के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल गूगल और यूएनईपी के बारे में है। दोनों ने पार्टनरशिप करी है। गूगल सोफिस्टिकेटेड ऑनलाइन टूल्स प्रोवाइड करेगा यूएनईपी को। देखो, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ग्लोबल क्लाइमेट को जो नुकसान पहुंच रहा है उसको ट्रैक करने के लिए गूगल सोफिस्टिकेटेड ऑनलाइन टूल्स को प्रोवाइड करेगा। इस पार्टनरशिप का एम ये है कि विभिन्न देशों की सरकारें, एनजीओ और जो पब्लिक हैं वो इन्वायरमेंट रिलेटेड डेवलपमेंट टारगेट्स को ट्रैक कर सकें। यानी इन्वायरमेंट रिलेटेड जो टारगेट्स डिसाइड किए गए हैं विभिन्न देशों की सरकारों के द्वारा, उन पे क्या कुछ काम हुआ है, ये सब मॉनिटर किया जा सकता है गूगल के द्वारा जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहले देखो, फोकस किया जाएगा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम पे, जिसमें माउंटेन्स भी आएंगे, फॉरेस्ट भी आएंगे, वेटलैंड्स भी आएंगे, रिवर्स, एक्वीफायर्स और लेक्स भी आएंगे। ये जो एरिया हैं वो वर्ल्ड वाटर का 0.01% है, लेकिन वर्ल्ड की 10% स्पीसीज यहाँ पर रहती हैं। इसलिए जो इम्पोर्टेंस है फ्रेश वाटर बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज़्यादा है, लेकिन फ्रेश वाटर की जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हो रही है। तो गूगल समय समय पर जियोस्पेशियल मैप्स और डेटा प्रोवाइड करेगा वाटर रिलेटेड इकोसिस्टम के बारे में, और इसके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी भी एम्प्लॉय की जाएगी। सैटेलाइट इमेजरी और स्टैटिस्टिक्स भी जनरेट किए जाएंगे ताकि ये पता लगाया जा सके जो फ्रेश वाटर बॉडीज हैं उनमें क्या कुछ चेंज ऑक्योर हो रहे हैं, और विभिन्न देशों को ये डेटा एक्सेसिबल किया जाएगा ताकि चेंजेस को ट्रैक किया जा सके और इकोसिस्टम को डैमेज होने से बचाया जा सके। हम बात करें यूएनईपी की, यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, जिसके साथ गूगल ने ये पार्टनरशिप करी है। देखो, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के दौरान जो ऑर्गेनाइज हुई थी 1972 में, यूएनईपी को इस्टेब्लिश किया गया था। यूनाइटेड नेशंस की ये एक एजेंसी है और यूनाइटेड नेशंस की एनवायरमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ के बीच कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करती है। यूएनईपी का जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी कीनिया में है। आजकल ढोले के बारे में है, यानी इंडियन डॉग। पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कंटेक्स्ट हम जानेंगे ढोले के बारे में। ढोले देखो नेचुरली पाया जाता है बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड। तो आप देख सकते हो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में मेनली मिलता है ढोले। और साइट्स जो कि कन्वेंशन है इंडेंजर्ड स्पीसीज के इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए, साइट्स कन्वेंशन के अपेंडिक्स सेकंड में आता है ढोले, और आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है। हुआ क्या है, ढोले की जो संख्या है पिछले कुछ समय में ड्रामेटिक रूप से कम हुई है, यानी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से कम हुई है, डिक्लाइन हुई है। अभी फिलहाल ढोले की जो पॉपुलेशन है वो 2500 से कम है। वाइल्ड ढोले की हम बात कर रहे हैं, चिड़ियाघर में या फिर किसी दूसरी जगह पे हो वो बात अलग है, लेकिन जंगल में ढोले की जो पॉपुलेशन है वो 2500 से कम है फिलहाल। और 10 एशियन कंट्रीज़ में तो ढोले पूरी तरह से लुप्त हो चुका है, यानी एक्सटिंक्ट हो चुका है। इसीलिए वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसर्चर्स ये पता लगाना चाहते हैं कि ढोले की जो पॉपुलेशन है वो इतनी तेज़ी से क्यों कम हो रही है, क्या रीजंस हैं। तो इसलिए किया क्या, कान्हा नेशनल पार्क में एक ढोले के कॉलर ट्रांसमीटर लगा दिया गया, मतलब गले में एक ट्रांसमीटर लगा दिया गया। अब साइंटिस्ट पूरी रिसर्च करेंगे कि पैटर्न क्या है, किस इकोलॉजी में जो ढोले हैं वो रहते हैं, किस प्रकार से शिकार करते हैं, ताकि उनका बिहेवियर का पता लगाया जा सके और ये भी पता लगाया जा सके कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो इतना तेज़ी से क्यों कम हो रही है। वैसे देखो फूड चेन में जो ढोले हैं उनका अहम रोल होता है, टाइगर की तरह इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन टाइगर को तो आपको पता है बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, लेकिन ढोले को उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती पर्यटन के मामले में भी और इवन रिसर्चर्स के द्वारा। लेकिन अब जिस प्रकार से तेज़ी से जनसंख्या कम हुई है इनकी, तो साइंटिस्ट एक प्रकार से फोकस करने लगे हैं ढोले पे और पता लगाने में जुट गए हैं कि इनकी संख्या क्यों कम हो रही है। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल सफ़र के बारे में है। सफ़र की पूरी फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। क्या कंटेस्ट है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा सफ़र सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है न्यू दिल्ली में चांदनी चौक इलाके में। सफ़र जो है वो एडवांस्ड वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है, इसे डेवलप किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के द्वारा जो पुणे में है, और ऑपरेशनलाइज किया गया है IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। देसी है, हमने ही इसे डेवलप किया है सफ़र सिस्टम को। इसे देखो देश की बड़ी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि लोकेशन स्पेसिफिक जानकारी मिल सके एयर क्वालिटी के बारे में। अब देखो चांदनी चौक में
इसे इंस्टॉल किया गया है, तो आसपास के एरिया में जो एयर क्वालिटी कैसी है उसकी जानकारी मिलती रहेगी रियल टाइम बेसिस पे, और वेदर का भी पता लगता रहेगा, यानी आने वाले 1 से 3 दिन में वेदर किस प्रकार का रहेगा उसकी जानकारी भी मिल जाती है सफ़र से। काफ़ी सारे वेदर पैरामीटर्स को मॉनिटर करता है सफ़र, जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, और पोल्यूटेंट्स जोन जोन से मॉनिटर किए जाते हैं सफ़र के द्वारा, वो इस प्रकार से हैं PM1, PM2.5, PM10, ओजोन, CO, NO या फिर NO2, SO2, BC, मिथेन यानी CH4, नॉन मिथेन हाइड्रोकार्बन्स, VOC यानी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बेंजीन और मरकरी। और कौन से वेदर रिलेटेड पैरामीटर्स मॉनिटर किए जाते हैं वो तो हमने डिस्कस कर लिया, जैसे अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन, रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन और सोलर रेडिएशन। तो पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सफ़र के बारे में, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल नेशनल मोथ वीक के बारे में है। मोथ का मतलब है कीट या पतंग, तितली से संबंधित जो स्पीसीज होती हैं। कंटेस्ट ये है कि देखो जुलाई का जो आखिरी सप्ताह है वो नेशनल मोथ वीक के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 40 से ज़्यादा देशों में, इंडिया भी 39 देशों में शामिल है। तो 21 जुलाई से 29 जुलाई का जो वीक है वो नेशनल मोथ वीक के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। मोथ जो है पूरे अर्थ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्स और सक्सेसफुल ऑर्गेनिजम्स में से हैं। पूरे वर्ल्ड में मोथ की यानी कीट या पतंग की 1.5 लाख से लेके 5 लाख तक की स्पीसीज हैं। और देखो नेशनल मोथ वीक सेलिब्रेट करने का मकसद ये होता है कि अवेयरनेस फैलाई जाए, लोग अपने आसपास के एरिया में ऑब्जर्व करें तितलियों को और उन्हें डॉक्यूमेंट करें। 2012 में सबसे पहले नेशनल मोथ वीक को सेलिब्रेट किया गया था, और उसके बाद हर एक साल जुलाई का जो लास्ट वीक होता है वो नेशनल मोथ वीक के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल इथेनॉल बायो रिफाइनरीज के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? OLPSUs ने MOU साइन किया है विभिन्न राज्य सरकारों के साथ और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स के साथ 5 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरीज को इस्टाब्लिश करने के लिए। 2G का मतलब है यहाँ पे सेकेंड जनरेशन। अगर देखो बायोफ्यूल हासिल किया जाता है डायरेक्टली फूड क्रॉप से, फॉर एग्जाम्पल वीट से या फिर शुगर कॉर्न से, गन्ने से, तो वो होगा फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल क्या है? अगर बायोफ्यूल हासिल किया जाता है ग्रास यानी घास की सहायता से, उस फूड की सहायता से जो वेस्ट हो चुका है, वुड की सहायता से मतलब लकड़ी की सहायता से या फिर स्ट्रास की सहायता से, तो वो होगा सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल। थर्ड जनरेशन में क्या है? अगर एल्गी की सहायता से बायोफ्यूल हासिल किया जाता है तो वो सब चीज़ें थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल में आती हैं। तो अब जो MOU साइन हुआ है PSUs के बीच और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच, वो 5 सेकेंड जनरेशन इथेनॉल बायो रिफाइनरीज को इस्टाब्लिश करने को लेके हुआ है। हमारे देश में पहली जो 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरी है वो इस्टाब्लिश की जा रही है बठिंडा पंजाब में। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 2016 में, अभी भी काम चल रहा है। अगर UPSC क्वेश्चन पूछती है कि पहली सेकेंड जनरेशन इथेनॉल बायो रिफाइनरी कहाँ पे इस्टाब्लिश की जा रही है, आंसर होगा बठिंडा पंजाब। देखो प्राइमरी बायोफ्यूल कौन से होते हैं और सेकेंडरी बायोफ्यूल कौन से होते हैं उसके बारे में भी आप एक बार जान लीजिए। प्राइमरी बायोफ्यूल वो बायोफ्यूल होते हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है अनप्रोसेस्ड मैनर में, यानी प्रोसेसिंग किए बिना ही अगर ऑर्गेनिक मैटर का इस्तेमाल किया जाता है वेरियस पर्पजेज के लिए, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो होगा प्राइमरी बायोफ्यूल। और सेकेंडरी बायोफ्यूल वो बायोफ्यूल होते हैं जिनका इस्तेमाल होता है प्रोसेसिंग के बाद, आफ्टर प्रोसेसिंग। इथेनॉल जो है वो सेकेंडरी बायोफ्यूल है क्योंकि बायोमास की प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इथेनॉल जो है वो सेकेंडरी बायोफ्यूल है। इस साल हमारे देश में जो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 आई है, उस पॉलिसी में सरकार के द्वारा अलाउ किया गया है कि बी ग्रेड हैवी मोलासिस, शुगर कैन जूस और डैमेज्ड फूड ग्रेन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है इथेनॉल की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 के जो पॉइंट्स हैं जल्दी से 40 सेकंड में देख लेते हैं। सबसे पहले सरकार ने टारगेट रखा है 2030 से पहले पेट्रोल की ब्लेंडिंग होगी इथेनॉल के साथ 20%, यानी 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल, ये टारगेट अचीव करना है 2030 तक। और 2030 तक ये भी इंश्योर करना है डीजल में 5% बायोडीजल हो, बाकी डीजल हो। एक नेशनल बायोमास रिपोजिटरी का निर्माण किया जाए जो कि हमारे देश में बायोमास को अप्रेज करेगा। इस पॉलिसी में बायोफ्यूल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। बेसिक बायोफ्यूल्स,
फर्स्ट जनरेशन जो बायोफ्यूल्स हैं उनको बेसिक बायोफ्यूल्स बोला गया है, सेकेंड जनरेशन जो बायोफ्यूल्स हैं उनको एडवांस्ड बायोफ्यूल बोला गया है, और थर्ड जनरेशन जो बायोफ्यूल्स हैं जो एल्गी से हासिल होते हैं उनको एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स बोला गया है। और इस पॉलिसी में बोला गया है कि एडवांस्ड बायोफ्यूल्स यानी सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स को प्रमोट किया जाएगा सरकार के द्वारा, 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरीज इस्टेब्लिश की जाएंगी, और वही कंटेस्ट है आज के आर्टिकल का, तभी हम ये आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। इसके लिए सरकार वायबल गैप फंडिंग की सहायता से अगले 6 सालों में 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। बायोडीजल प्रोडक्शन को एंकरेज किया जाएगा, नॉन एडिबल ऑयल सीड्स, यूज्ड कुकिंग ऑयल और वो क्रॉप्स जिनका जो गेस्टेशन पीरियड है काफ़ी छोटा है, उसके बाद R&D पे फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, उन रॉ मटेरियल्स के प्रोडक्शन पे फोकस किया जाएगा जिनसे इथेनॉल आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट, नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया जाएगा NBCC मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत, और इसके अलावा वर्किंग ग्रुप ऑन बायोफ्यूल्स का निर्माण भी किया जाएगा। कितना टाइम लगा? 40 सेकंड से तो ज़्यादा ही लगा, लेकिन देखो इस प्रकार से लिंकेज इस्टाब्लिश करने से ना चीज़ें आसान हो जाती हैं। जैसे आज का आर्टिकल ये था कि 5 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरीज इस्टाब्लिश की जा रही हैं, यही चीज़ जो है वो दी हुई है नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 में। तो आप लिंकेज इस्टाब्लिश करोगे, ये जो कुछ हो रहा है वो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 के अनुसार हो रहा है, तो इस पॉलिसी के आपको फीचर्स भी याद आएंगे। तो ऐसे ना सब कुछ जब फ्लो में चलता है ना तो बड़ी पिक्चर को समझना बहुत आसान हो जाता है और पढ़ने में मजा भी आता है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल अर्थ ओवरशूट डे के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? इस बार अर्थ ओवरशूट डे आएगा 1 अगस्त को, यह सबसे अर्लीस्ट अर्थ ओवरशूट डे है। मैं आपको बताता हूं मतलब क्या है अर्थ ओवरशूट डे का। हम मान लेते हैं कि अर्थ के द्वारा यानी धरती के द्वारा एक साल में 365 यानी 365 यूनिट्स रिसोर्सेज को रीजनरेट किया जाता है। अब देखो अर्थ ओवरशूट डे है इस बार 1 अगस्त को, इसका मतलब यह है कि 1 अगस्त तक हमने 365 यूनिट्स रिसोर्सेज जो कि रीजनरेट किए गए थे अर्थ के द्वारा उन्हें कंज्यूम कर लिया है। जैसे जैसे ये अर्थ ओवरशूट डे आगे बढ़ेगा, मान लीजिए आने वाले सालों में ये अर्थ ओवरशूट डे जो है वो 1 जनवरी तक आ जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें अर्थ जैसे 2 प्लैनेट्स की आवश्यकता है कंजम्पशन के लिए, यानी हमारा कंजम्पशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि 1 प्लैनेट हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, अर्थ जैसे 2 प्लैनेट्स हमें चाहिए। ये क्या हो गया? हाँ अब ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट था अर्थ ओवरशूट डे के बारे में, और इसे पब्लिश किया जाता है, इसे कैलकुलेट किया जाता है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के द्वारा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के साथ मिलके, यानी ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क और WWF मिलके अर्थ ओवरशूट डे को कैलकुलेट करते हैं। 2017 में ये था 2 अगस्त, 2016 में था 8 अगस्त, और उससे पहले कम था 13 अगस्त, और 1987 में था ये 19 दिसंबर। तो जैसे जैसे साल आगे बीत रहे हैं अर्थ ओवरशूट डे जो है वो और जल्दी आता जा रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 1 जनवरी जब तक ये पहुँचेगा, इसका मतलब ये है कि हमें अर्थ जैसे 2 प्लैनेट्स की आवश्यकता है हमारी कंजम्पशन को फुलफिल करने के लिए। अगर UPSC पूछे ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के बारे में, ये एक इंटरनेशनल NGO है, इंटरनेशनल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में। 2003 में इसे इस्टाब्लिश किया गया था। मकसद यही है, ये इंश्योर करना कि सभी लोगों के पास अपॉर्चुनिटी हो कि वो अपनी जो जीवन की बेसिक आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा कर सकें और कंजम्पशन इतना ज़्यादा ना बढ़े कि अर्थ के जो रिसोर्सेज हैं बहुत जल्दी से ख़त्म हो। तो ये चीज़ इंश्योर करना ऑब्जेक्टिव है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क का। अगला आर्टिकल नेशनल वाटरवेज के बारे में है। 2016 से पहले हमारे देश में 5 और 6 नेशनल वाटरवेज हुआ करते थे, लेकिन 2016 में एक एक्ट आता है जिसका नाम है नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016। इस एक्ट के बाद अब हमारे देश में 106 वाटरवेज हैं, और 106 में से 20 से ज़्यादा जो वाटरवेज हैं वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में हैं। अभी हाल ही में इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एस्टिमेट लगाया गया, अगर नॉर्थ ईस्ट के रीजन में नेशनल वाटरवेज को डेवलप करना है 2022-23 से पहले तो 25,000 करोड़ की आवश्यकता है। जैसे एक इम्पोर्टेंट नेशनल वाटरवे नॉर्थ ईस्ट के रीजन में है, नेशनल वाटरवे सेकंड, ये स्टार्ट होता है सादिया से और ख़त्म होता है धुबरी पर। सादिया अरुणाचल प्रदेश में है और धुबरी जो है वो असम का एक टाउन है। ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है ये नेशनल वाटरवे सेकंड।
इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था 1986 में। यहाँ पर देखो 31 साल हो गए हैं इस बॉडी को बने। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1986 में। नोएडा में इस बॉडी का हेडक्वार्टर है। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है ये बॉडी? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर। तो इन्वायरमेंट के रिविजन का ये हमारा दूसरा लेक्चर था। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।